हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 19/1/2023 को संपन्न हुए इंग्लिश ओलंपियाड 2022-23 वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप स्टेज क्लस्टर लेवल ग्रेट ग्रुप 4 एंड 5 के लिए संपन्न हुए प्रश्न पत्र का मॉडल आंसर आपको बताएंगे। इससे पूर्व, अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर के लिए टोटल क्वेश्चन 30 थे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। नंबर 1, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न 2, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है, सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे। तीसरा है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 1 उत्तर सही है। सही विकल्प के लिए OMR शीट के गोले को भरना है। तो इस प्रकार से इसमें निर्देश दिए गए थे। हम ज़्यादा देर ना करते हुए आपको सही आंसर बताएंगे। तो चूज द करेक्ट प्रोनाउन कनेक्शन ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। इसमें हमको क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं पहले क्वेश्चन का और उसमें सही क्या है उसको हमको लिखना है। तो पहले क्वेश्चन के लिए हम आंसर बता देते हैं जल्दी जल्दी। तो पहले क्वेश्चन के लिए ए आ जाएगा इसमें, लीकेज। दूसरे क्वेश्चन के लिए बी, मैग्नेट। तीसरे क्वेश्चन के लिए ए, प्रेसिडेंट। चौथे क्वेश्चन के लिए सी आ जाएगा। पाँचवें क्वेश्चन का सही आंसर सी। छठवें क्वेश्चन का आंसर ए। अगला फिर है इंग्लिश स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इंग्लिश स्पेलिंग सही क्या है वो देखना है इसमें। तो 7वां क्वेश्चन का सी सही है। इसके बाद देखिए 8वें क्वेश्चन का सही आंसर बी है। 9वें क्वेश्चन का ए सही आंसर है। फिर इसके बाद में क्या करना है हमको, इंग्लिश स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड, करेक्ट वाली इंग्लिश जो है कौन सी है। तो 10वें का डी इसका सही आंसर है। 11वें का सी सही आंसर है। फिर 12वें का ए सही आंसर है। इसके बाद फिर निर्देश दिया हुआ है, तो ऑप्शन तो फिल इन द मिसिंग वर्ड, मिसिंग वर्ड को पूर्ण करना है। तो यहाँ 13वां का सही है सी। इसके बाद 14 का सही आंसर ए। 15 का ए। इसके बाद चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड मिलते जुलते वर्ड को देखना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका सही आंसर है ए। 17 का डी। 18 का सी। फिर है फाइंड द करेक्ट ओड वन आउट। तो यहाँ पर 19 में सही आंसर है बी। 20 का सी सही आंसर है। 21 का सी। फिर अगला निर्देश दिया गया है 22वां क्वेश्चन का, तो इसमें ए सही है। 23 क्वेश्चन का बी सही है। इसके बाद 24वां क्वेश्चन का ए सही है। फिर निर्देश दिया गया है 25वें प्रश्न के लिए, तो यहाँ पर 25वें क्वेश्चन का आंसर जो है ए सही है। 26 के लिए बी सही है। 27 के लिए ए सही है। फिर अगला निर्देश दिया गया है 28वें क्वेश्चन के लिए, तो 28वें के लिए बी सही आंसर है इसका। इसके बाद में 29 के लिए ए और 30 के लिए ए सही है। तो इस प्रकार से 30 क्वेश्चन जो आपके हुए हैं आज, इन सारे क्वेश्चन का मॉडल आंसर हमारे चैनल के द्वारा बनाया गया है। और इसके बाद लेवल 3 के लिए, 6 से 8 के लिए भी मॉडल आंसर तैयार किया जा रहा है। चैनल में बने रहें। धन्यवाद।